रिकॉर्डिंग ऑन करने का बोलते हैं सर। कब की परमिशन दे दी थी आपको भी? चलो गुड, ये सब करा दिए थे ना कल, ये प्रैक्टिस थी ना आपने? ना A2 डेटा से आए थे। गाइस यस सर। चलो स्नेहा गुप्ता कितने बने परसेंट? गुजरात बोर्ड से तेरे 90 कितने बने तेरे? गुजरात बोर्ड से 10th में 97.7। तू पागल, तू तो गुजरात में 97% मतलब तू तो गुजरात बोर्ड की टॉपर होगी। गुजरात बोर्ड का तो रिजल्ट बहुत सर, वो परसेंटाइल बोल रही है। अच्छा परसेंटाइल, परसेंटेज कितने बेटा? 89। हाँ तो बहुत बड़े परसेंटेज भाई, गुजरात बोर्ड का 89 मतलब सीबीएसई का 99, इतना डिफरेंस है इस बार। ऐसा होता है सर? गुजरात बोर्ड वालों की पूरी वाट लग गई इस बार सब, बहुत वाट लगा दी गुजरात बोर्ड वालों की। गुजरात बोर्ड के तो आपको मालूम नहीं, अपना एक स्कूल है बिहार में तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट है 44%। और सर इस बार सबसे ज्यादा A1 है गुजरात क्या? सूरत में से गुजरात में सूरत टॉप पे इस बार। सूरत टॉप पे सीबीएसई में, और मालूम है गुजरात बोर्ड, गुजरात में भी, गुजरात बोर्ड में सूरत टॉप पे और गुजरात में। हाँ गुजरात बोर्ड में तो पूरे सूरत में केवल 71% पास हुए, सोचो गुजरात बोर्ड में तो बहुत इस बार जिसका। और सर गुजरात बोर्ड में तो इस बार सिर्फ 1600 A1 में ही है। हाँ स्नेहा तेरा कहते मैथ्स में कितना मार्क्स आया? 93। क्या बात कर रही है, बाप रे बाप, तो तू तो बेटा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। मालूम है इस बार 10th में जो हाईएस्ट जो 10th है उसमें तो मैथ्स का गुजरात बोर्ड का तो बहुत ही पुअर कंडीशन था। अच्छी बैच है तुम, मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपर अपने विजन वाली बैच में ही होंगे ऐसे बस इसके, है ना? क्यों बेटा? यस सर। और नील के कितने? नील के 92। हां तेरी वजह नीली के 83 भी अच्छे। अच्छा वेरी गुड, उत्सव टॉपर है ना। चलो उत्सव ने, उत्सव को मैं पार्टी दूंगा ठीक है, याद रखना जब मैं अपन आएंगे वहां। तो उत्सव से लेनी पड़ती है, आप मत दो। उत्सव कहाँ है क्लास में, आवाज आ रही है? हेलो उत्सव। हाँ सर आ गया है वो, बोले ना सर। सर पार्टी उत्सव को देना पर खाने हमको भी देना। भी देगा ना, गुरुवार में साथ में देंगे। नहीं नहीं नहीं, टॉप वालों को मैं दूंगा। सर श्रेयस भी है। श्रेयस कितने आए सर? हमको तो 96.2। ओहो हो, लक्ष्य अपन लोग इधर पार्टी बनाते थे ना तो नाइट बाजार में। लक्ष्य है क्या, लाली है क्या क्लास में? हाँ सर। बस अब एक बार इनको भी, हाँ तो तुम लोग इनको लेके आए जाना, मेरी तरफ से पार्टी है। हाँ सर। अब स्कूल तो स्कूल खुल जाएगा तब, अभी नहीं। चलो वेरी गुड, गुड रिजल्ट, खुश हो गया मैम, दिल खुश हो गया। अब देखो हमने ये फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस, फिर से रिवाइज कर, कॉस टू है तो ये हो जाएगा। देखो कॉस क्या, साइन स्क्वायर है 1 - 2 या 2, ये ऑलरेडी डिस्कस। साइन 2 है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, टेन 2 है 2 टेन थीटा पर 1 - साइन स्क्वायर। साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, है ना बेटा? अभी हमारे लिए, हाँ ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो ध्यान सुनो, वेट, देखो बेटा
टेन स्क्वायर है, प्लीज राइट डाउन दिस, ये राइट डाउन कर लो तो सब, टेन स्क्वायर है इक्वल टू वन माइनस कॉस टू और वन प्लस टू, ये मैं बार बार डायरेक्ट लिखूंगा इसलिए लिख लो बेटा, कुछ नहीं हो कॉन कॉस का होगा टू साइन स्क्वायर है और टू कॉस स्क्वायर है, तो ये लिख लो तो एक याद आता है सब लोग बार बार, एंड कॉस टू थीटा भी कॉपी कर लो, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देन ये टेन थीटा थ्री टेन थीटा माइनस फोर थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ओके अब देखो बेटा ये जो फॉर्मूला लिख रहा है एट नंबर वाला, इसमें S1 का मतलब है, ये देखो S1 का मतलब आप लोग देखो सब लोग, S1 का मीनिंग है कि सिंगल टेन 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 का सम हो रहा है, S2 का मीनिंग है कि दो दो का प्रोडक्ट हो गया, अरे यार दो दो का प्रोडक्ट होके हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि टेन टेन टू वन फिर वन वन थ्री वन थ्री और थ्री मतलब तीन तीन का प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो ये फार्मूला ऐसा होता है कि सम हो वैसे इफ यू कैन रिमेम्बर अदरवाइज अपन बनाएंगे, ऊपर ऑड माइनस होंगे एस वन एस थ्री एस फाइव एस सेवन, नीचे होंगे इवन टू फोर सिक्स एट, इट इज क्वाइट, इसको एक बार लिख लो बस, लिखने की इच्छा हो तो, अदरवाइज ये मतलब बहुत ज्यादा आप याद करने की जरूरत नहीं इसको, अब ये आता है अपने लिए, ये काम का है बेटा है ना, देखो ध्यान सुनो ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है साइन टू वन पे, अब देखो बेटा ये तो ये जो फार्मूलाज है ना ये जो अभी हमको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, ये दे विल नॉट आस्क दिस बट समवेयर दे विल वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, तो इसलिए इसको ध्यान से करो, देखो साइन टू थीटा, तो अब मेरा एक बात है ऑलवेज ट्राई टू मेक सेम ट्रिगो रेशियो, अब देखो समझना मैं जो समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ टू थीटा है टू थीटा, यहाँ थीटा ची है तो इसको हाफ में ब्रेक करो, यहाँ थीटा है तो इसको टू टू को हाफ में ब्रेक करो, यहाँ फाइव बाय फोर है तो हाफ में ब्रेक करना चालू करो, मतलब हमको एंगल के हिसाब से बनाना है उसको, ठीक है ना, अब देखो ये आई थिंक कि तुम लोग कर सकते हो, जैसे मैंने ये सी वाला लिया तो आप याद रखो, ये मैं दस बार पढ़ा चुका हूँ अगर फिर से बोलता हूँ, इम्पोर्टेंट वन है, वन प्लस कॉस एंगल, इसको हमेशा याद रखो, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल होगा दैट बाय टू, सिमिलरली वन वन माइनस कॉस एंगल इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एंगल बाय टू, वन प्लस साइन एंगल, अब इसके दो होते हैं, या तो इसको लिखो वन प्लस कॉस नाइन्टी माइनस एंगल, अब ये इससे ओके ये क्या होता है बेटा टू कॉस स्क्वायर एंगल बाय टू, तो पाई बाय टू मतलब पाई बाय फोर माइनस स्टार बाय टू, और सिमिलरली दिस विल बी वन माइनस साइन एक्स को साइन स्टार को क्या लिखेंगे वन प्लस साइन नाइन्टी माइनस थीटा, तो ये वाला जो था कॉस एंगल वाला टू साइन स्क्वायर एंगल बाय टू, तो इसको एंगल क्या तो पाई बाय फोर हो गया स्टार बाय, अरे यस गाइस है ना सर, वन प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस स्टार आएगा, फिर से बोल पाई बाय फोर सर, वन माइनस कॉस लिखो, वन माइनस कॉस कॉस आएगा, कॉस आएगा सर साइन पे सर, वहां नहीं उसके बाद में, नहीं ये सही है, हाँ सर उसके बाद में, हाँ वहां पे ओके, अब देखो एक जो मैं आई ऑलरेडी डिस्कस फिर भी फिर से बता देता हूँ, वन प्लस साइन थीटा
तो ये साइन थीटा को आई कैन राइट टू साइन साइन थीटा बाय टू इनटू कॉस थीटा बाय टू एंड दिस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू वन को वी कैन राइट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा बाय टू प्लस कॉस थीटा बाय टू होल स्क्वायर इफ सपोज व्हाट हैपन यहां माइनस है So guys, please write down this once again. Guys, do fast, jaldi se. Guys, do fast. Give me a glass of water. No. Guys, do fast. Na, agar ho chuka hai, then you have to copy. Aapki garam lagta hai. Bahut bad hai. Yes, sir, yes, sir. Guys, done? Yes, sir. ये वन प्लस साइन थीटा आल्सो कॉपी तो यूट्यूब का नहीं आता वो हमको तो सवाल ऐसे कर लेता हूँ सर डन ऑल डन जिनका डन हो गया एक बार मतलब रीड कर लो ये बहुत इम्पोर्टेंट है चलो आंटी थोड़ी परेशान सी लग रही थी गाइस जान यस सर लाख सर को मैडम बहुत याद कर रही है लाख और ललित को बोल रहे कब पार्टी होगी वापस सर आपके बर्थडे का ही ना हाँ तो फिर वही बोल रहे मेरी मैडम की बर्थडे में पार्टी बाकी है मैम की बर्थडे की पार्टी बाकी है मैडम बोल रही मेरी पार्टी के लिए जब भी आना आ जाओ लॉकडाउन चल रहा है सर लॉकडाउन खुलेगा तो आ जाएंगे हाँ मस्त पार्टी बनाएंगे देखो बेटा ये साइन को अलग रख दिया वन माइनस कॉस थीटा को साइड में लिया ये साइन थीटा को अलग रख दिया वन प्लस कॉस थीटा को साइड में लिया अब देखो बेटा याद रखो ये साइन थीटा एज इट इज प्लस वन माइनस कॉस मतलब टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अभी सर ने बताया और ये साइन थीटा एज इट इज प्लस वन प्लस तो टू कॉस स्क्वायर थीटा टू आप देखो सर क्या बताते हैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि ट्राई टू मेक सेम एंगल अब ये थीटा बाय थीटा टी बाय टू है ये थीटा नहीं चलेगा तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है बेटा क्या टू साइन एंगल बाय टू कॉस एंगल बाय टू है ना बेटा तो इसको एक थोड़ा सा जगह सेव कर लेता हूं मैं तो ये हो गया बेटा टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू ओके तो गाइस ये देखो ये सिंपल सा क्या हो गया बेटा साइन थीटा बाय टू कॉमन अंदर हो गया टू ऑल्सो कॉमन cos theta by 2 plus sin theta by 2 the denominator 2 sin theta by 2 sorry 2 cos theta by 2 common so this is sin theta by 2 plus 1 cos theta by 2 common tan theta haan ji
ये कैंसिल हो गया tan थीटा tan थीटा बाय tan थीटा नहीं होगा tan थीटा बाय 2 हां बाय 2 क्यों खा गया tan थीटा बाय 2 यस हां tan थीटा बाय गुड 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 इसका नाम सुन के भूख लग रही है तेरी तरह नहीं हूं खाना देखते ही चालू कुलदीप क्यों नहीं आ रहा है सर कुलदीप नहीं आ रहा है सर तू खाता है कुलदीप बेटा जयपुर कहीं गया था उसका फोन आया था मैं भी भूल गया था सर वो कुलदीप है ना हां कोई भी क्लास अटेंड नहीं करता सिर्फ मैच की शायद कर अभी उसको पकड़ता हूं मैडम देखो बेटा 1 माइनस cos थीटा को एक साथ ले लिया 1 प्लस cos थीटा तो 1 प्लस cos थीटा को एक साथ ले लिया इस वे टू हाइड है ना क्योंकि 1 प्लस अच्छा होता है इसको अपन ने cos sin में cos में ब्रेक कर लिया अब एंगल ये था तो इसको भी वी हैव टू ब्रेक इनटू द इसमें तो ये इसको भी ब्रेक कर लिया बेटा इन दोनों को sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 कॉमन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यस चलो अभी थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि अपने पास ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा है ना अभी ट्राई दिस क्वेश्चन डी आप लोग करके डी तो भाई है उसका यार चलो एफ करके बताओ ई और एफ दो क्वेश्चन कर नहीं पहले ई करो एफ छोड़ दो ई एफ करो ई छोड़ दो सॉरी एफ करो दुवास डन वेरी गुड सर ये लास्ट क्लास में ही करवाया था शायद तक हाँ मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है